जमीनी हकीकत देखते हो। इस वक्त भारत से नॉर्म फोर लेन बन रहा था, रिंग रोड बन रहा था। देश का पहला नीचे करो आईडी मल्टी मॉडल हब इनलैंड वाटरवे के रूप में काशी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है। इतने अद्भुत कार्य हुए हैं, इन सब कार्यों को अंतिम रूप जब दिया जा रहा है तो इसका निरीक्षण करने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजिट के समय इन सब कार्यों का लोकार्पण हो सके, इसलिए आज इन सब कार्यों की समीक्षा के लिए मैं विशेष रूप से काशी में आया हूँ। तो स्वाभाविक रूप से जब ट्रैफिक कम से कम हो, पब्लिक को कम से कम परेशानी हो, इसलिए मुझे रात्रि में ही सड़क पर हमें उतरना पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए हुए हैं और रात लगभग 10 बजे के बाद मुख्यमंत्री रात्रि निरीक्षण पर निकले हैं और तमाम विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय हम रामनगर में जो मल्टीपर्पज़ जो बंदरगाह तैयार हो रहा है उसके निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पहुँचा है और मुख्यमंत्री सीधे बड़ा गांव पर जो रिंग रोड तैयार हुई है वहां से यहां आए हैं। माना जा रहा है कि नवंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसे दृष्टिगत मुख्यमंत्री का यह दौरा हो रहा है और रात के वक्त मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसी गाड़ी में मुख्यमंत्री सवार हैं और बंदरगाह पर निरीक्षण के लिए आए हुए हैं और रात्रि में लगभग इस वक्त 12:37 का वक्त हो रहा है और मुख्यमंत्री का यह निरीक्षण अभी जारी है। यहाँ के बाद मुख्यमंत्री जो अल सुबह का समय है यानी भोर का वक्त है उस समय जाएंगे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए। फिलहाल मुख्यमंत्री निरीक्षण पर हैं और अभी लगभग 1.5 घंटे उनका यह निरीक्षण जारी रहने वाला है और अधिकारी लगातार मुख्यमंत्री के साथ हाँपते और भागते नजर आ रहे हैं। गोपाल मिश्र, ETV वाराणसी।